ब्राइट, वेरी वेरी ब्राइट। वो क्या कर रही है? लगता है पानी में डूब गई, बीच में डुबा दिया, बीच में फोटो खिंचाने आई है। वाह, वो मेरे पे पोशन के इफेक्ट क्यों दे रही है? वो मुझे मारेगी, खल मेरे को मार रही है भागो। हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। तो मैंने ये जो रिकॉर्डिंग वाली और विच हट वाली वो मैंने बहुत पहले ही कर ली थी, एक हफ्ते पहले शायद। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे डायमंड, शायद टू स्टेक लगभग, तो मेरे पास डायमंड हो गए, बहुत सारा आयरन है और बहुत सारा कोल है। मैंने तो मेरे पास 3 स्टेक ब्लॉक के कोल के। तो फिर मैंने सोचा कि आपको जो माइनिंग करके जो बहुत कुछ मैंने पाया है वो सब बताऊँ आपको। उससे पहले, माइनिंग से पहले मैं आपके लिए एक सरप्राइज, एक खास सरप्राइज वो बताना चाहता हूँ। तो एक लिटिल टाइम लैप्स उस सरप्राइज तक जाने के लिए। दिख रहा है तो मैंने इतना साइड बोर्ड बनाया है सभी के नाम लिखने के लिए कमेंट्स के। तो कुछ ज़्यादा आई नहीं, कोई बात नहीं, जितने कमेंट मैं नाम लिखता हूँ। और मुझे, मैं बनाने के बाद जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि मुझे इसे एक ब्लॉक टॉलर और बना था। तो मैंने सोचा कि एक बार सबको बता दूँ और फिर ओपिनियन ले लूँ। और मैंने डायगनल इसको इसलिए बनाया कि इससे, इसको प्लेन बना था तो इतना टेक्सचर नहीं आता जितना इसको डायगनल बनाने पे आया। क्या टेक्सचर आ रहा बुट का और ये इसका, तो मेरे को ये अच्छा लगा। और मैंने यहाँ पे कुछ स्केफोल्डिंग भी रख रखी है ताकि अगर लोगों को इसका नाम ऊपर, अब वो इतनी हाइट है तो वहाँ पे नाम दिखने लगाने के लिए। और मैंने एकेशिया भी ले लिए तो नाम लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए ऊपर जाने के लिए आसानी दे, इसलिए मैंने ये लगा दिए। इसका नाम है स्कैफोल्डिंग। चलो इतना ऑफर तो काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले मैं मुझे जो जो नाम याद है वो शिट था, तो सबसे पहले मुझे जो जो नाम याद है मैं वो नाम लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी बीच से ही शुरू करता हूँ, कोने से शुरू करने की कोई बात ही नहीं है, कोने में पड़ेगा भी कौन, ठीक है? तो सबसे पहले नाम लिखते हैं, एक मेरे फ्रेंड हर्षित कुमावत का स्कूल फ्रेंड, KUMAWT, ठीक है? एक तो लग गया है और दूसरा देते हैं, एक है स्पाई नीति। ये भी मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड है, ये भी यूट्यूबर है और बहुत बढ़िया बढ़िया गेम खेलती है। मेरे को नाम से तो खेलती ही लगता है, मैंने आवाज़ नहीं सुनी, सिर्फ चैटिंग ही करी है ना आज तक, इसलिए हाँ तो लड़की समझ के मैं इसको लिख देता हूँ स्पाइन मिट्टी, ठीक है? और भी बहुत सारे जन हैं तो मैं सभी का नाम लिख के फिर बाद में लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं। तो टोटल में आज तक जितने भी सारे मेरे कमेंट्स आई है, सारे शुरुआत से लेकर अभी तक जो जो मैंने पढ़ी है, तो वो सब नाम मैंने लिख दिए। और सिर्फ 6 लोगों ने मेरे को कमेंट किया है, उसमें से एक मैं खुद ही हूँ, ये कुसुम दवे। मैंने अपनी खुद की दादी की आईडी से कर दी थी कमेंट। ये हर्षित कुमावत, मेरा स्कूल फ्रेंड, स्पाई नेटी, यूट्यूबर फ्रेंड, ये डोग जेके मैं जानता तो नहीं हूँ पर ये मेरी वीडियो देखी थी कभी तो उसमें कमेंट भी किया था, हेल हाइडिया हाइड्रा डिस्कॉर्ड फ्रेंड, ये पबजी का चैनल शुरू करने वाला था, पता नहीं शुरू किया नहीं किया, ये तो मेरी दादी और माई गेम,
माई गेम स्टेशन शायद कौन है, मैं नहीं जानता हूँ माई गेम स्टेशन को तो कौन है। हाँ तो बस इतने से ही है मेरे पास नेम्स। तो फ्रेंड्स हमारे ये कमेंट्स लिखने का काम हो गया है। मैंने साइन बोर्ड बना के लिखा है एक बड़े से साइन पर, कैसा है? मैं इसको बाद में ये थोड़ा सा इसको ऊपर दूंगा, बस ये नीचे के ब्लॉक्स थोड़े से तोड़ कर थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ऊपर एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। और जो हमने विच हट फाउंड की थी वो यहाँ से सीधे सीधे जाने पर ही है। हम जो इतना घूम के गए थे ना, वो यहाँ से अगर हम सीधे सीधे जाएँ ना तो सामने विच हट इतनी पास से पता भी नहीं है। तो फिर कभी जाएंगे विच हट में विच को हराने। अभी तो मैं पहले अपनी माइंड तक ले जाऊँगा आप सभी को, और माइंड तक जाने के लिए टाइम लैप्स। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. तो हम माइन के पास आ गए हैं, और यहाँ बहुत बड़ी माइन शाफ्ट है एक, यहाँ से जाने का मैंने रास्ता बना रखा है। और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉनर्स भी मिले मुझे, स्पाइडर स्पॉनर्स और दूसरे, ये तो केव स्पाइडर स्पॉनर। मैं सबके कुछ ना कुछ फार्म बनाने का सोच रहा हूँ, बस अभी तक सोचा नहीं है। और मेरा ये वीडियो में था कि मैं कैक्टस के स्पॉनर बनाऊँ, और ये मेरा जो मैंने कुछ समय में बहुत समय में जो बीच बीच में मैं छोड़ता हूँ ना, वीडियो नहीं डालता हूँ, तब मैं ये काम कर रहा था। तो मैंने ये इतना बड़ा खड्डा शुरू कर दिया है, और इसमें कई बार मैं लावा में जल भी चुका हूँ। और ये मेरे को पता नहीं था, ये जो जिस जगह पे मैं हूँ वो स्लाइम चंक है जो है ना, यहाँ पे स्लाइम्स मिलेंगे मुझे, यानी स्लाइम स्पॉन होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए कि यहाँ पे स्लाइम स्पॉन होते हैं, इस कारण मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हो गए, इस कारण मेरे यहाँ पे मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हो गए कि अब मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी भी नहीं है, किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो बहुत सारे कैक्टस लगा रखे थे इस जगह पे बहुत सारी लाइट्स में, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक कैक्टस का फार्म बनूंगा। वो सारे कैक्टस मैंने हटा दिए सबसे बड़े होने के बाद, तो मेरे को सिर्फ इतने से तीन स्टैक ही मिले, और उससे पहले मैंने कुछ तोड़े थे तो उनसे डाई मिली मुझे। तो ठीक है अब मैं, और मैं डार्क ओक और स्प्रूस भी लाया था रास्ते में आते हुए। मुझे डार्क ओक तो मैंने सबके सामने लिया था, और रास्ते में आते हुए जब मैं ऑफलाइन था तब मेरे को स्प्रूस भी मिले थे, एक स्प्रूस की सैपलिंग मिली थी, यानी पेड़ मिला था, तो वो काटने के बाद में एक अपलिंग मिलती ही आ गया घर पे। तो ठीक है अब शुरू करते हैं टाइम लैप्स, एंजॉय करो। Until I woke awake, scream my mind, I shout.
superhero. Getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, no. इसी आदत को देखते हुए ये बहुत सारे जनों ने ये फार्म बनाया, तो मैंने भी ये फार्म बनाने की कोशिश की। क्या होता है कि पहले एक कैक्टस होता है, फिर ये सेकंड लेवल तक जब बड़ा होता है इसके ऊपर ऐसे, तो है ना इसको लगता है कि इसके पास अच्छा कोई ब्लॉक आ गया है, तो अपने आप टूट जाता है। तो इस ये मैंने ये मेथड यूज़ करके कैक्टस फार्म बनाया है, तो बताना कैसा लगा। और ये सिर्फ एक है, इससे बहुत कम कैक्टस बना सकूँ मैं, इसे बहुत ऊपर तक बनाऊंगा जितना ऊपर तक मैं बना सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं नेक्स्ट वीडियो तक शायद इसको ऊपर तक बना लूँ। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट मैंने कैसे बनाया ये सब, यानी कैसा लग रहा है ये सब, अच्छा लग रहा है। और मैं इसको डेकोरेट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर ऊपर तक ग्लास ले जाऊँगा और भी कुछ अच्छी चीज़ें करूँगा। और कुछ आइडियाज हो तो मुझे बताना ज़रूर। और अगले वीडियो तक देखेंगे कितने, अब मैं चेक यानी मैं खुद चेक नहीं करूँगा, अगले वीडियो तक देखेंगे कि कितने कैक्टस अब निकलते हैं। मैं बस बनाते जाऊँगा।